प्रिय गौतम, घर में नजर बंद हो इसलिए तुम्हारे नाम का खुला खत लिख रही हूँ। वैसे इस दौर में खत लिखने का एक नुकसान है कि कहीं अब यह भी सत्ताधारियों के नुमाइंदों द्वारा निरंतर निर्मित खतों की पटकथा में शामिल ना कर लिया जाए, तुम और मैं किसी प्रतिबंधी पार्टी के षड्यंत्रकारी सदस्य ना बना दिए जाए। खैर, गोरख पांडे की वह कविता जो तुमने हमारी आखिरी बातचीत में मुझे सुनाई थी अब तक जहन में घूम रही है। उनका डर, वे डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद सोच रही हूँ कि आखिर किस बात का डर सता रहा होगा आज के सत्ताधारियों को, जो तुम जैसे नरम दिल गुस्सेल को कैद करके सुकून पा रहे हैं। पूरी तरह से सार्वजनिक होने के बावजूद PUDR की गतिविधियों की निगरानी तो ये करते ही आए हैं, लेकिन अब की इन्होंने ऐसा क्या देख लिया तुम में, तुम्हारी किस बात से भयभीत है? लोकगीत जो तुम गाते हो PUDR के कार्यक्रमों में, वो तो कारण नहीं? लगता है वे तुम्हारी बुलंद आवाज से सच में डर बैठे हैं। आदिवासियों पर हो रहे दमन के खिलाफ, मजदूरों के हितों के लिए, गटरों में रोज रोज मर रहे दलितों के लिए, मुसलमानों की हो रही हत्याओं के खिलाफ तुमने जो भाषण दिए हैं, उनकी वीडियो ये सभी देख चुके हैं। तुमने जिन रिपोर्टों पर काम किया है वे सभी पढ़ चुके हैं। तुम्हारी जनवादी अधिकारों पर व्यापक समझ से भयभीत हैं क्या ये? पर वह समझ तो 40 वर्षों से लोगों के बीच लिख बोल कर तुम साझा करते ही आए हो। क्या इन्हें यह लग रहा है कि तुम्हें कैद करके तुम्हारे विचारों और तुम्हारे द्वारा विगत किए गए काम को भी ये कैद कर पाएंगे? एक 65 वर्षीय की स्फूर्ति से डर रहे हैं। शायद ये जान चुके हैं कि आज भी अगर हमारे संगठन में कोई बेहद सक्रिय है तो वो तुम हो। जरूर ये उस दिन भी तुम पर नजर रखे हुए थे जब तुम और हम कापरसेड़ा बॉर्डर पर सुबह सुबह कपड़ा फैक्ट्री के मजदूरों के बीच फैक्ट्री परिसर में ही हो रही दुर्घटनाओं को लेकर पर्चा वितरण करने गए थे। इस तानाशाह सरकार को जरूर यह भी गम बैठ गया है कि कैसे कोई व्यक्ति इतने वर्षों से जनवादी तौर तरीकों से कार्यरत है। शायद इन्होंने जनवादी अधिकारों के मुद्दों पर हो रही PUDR की चर्चाओं की निगरानी में यह गौर किया होगा कि तुमसे आधी उम्र के सदस्य किस तरह तुमसे बहस करते हैं, तुम पर चिल्लाते हैं, असहमति व्यक्त करते हैं और फिर तुमसे गले मिलकर जाते हैं। बेशक वे तुम्हारी गति से तो डर रहे हैं कि कहीं 2019 चुनावों से पहले हमारा काम इनके पोलों का पुलिंदा न खोल दे और इनके द्वारा निरंतर देश के अलग अलग हिस्सों में किए जा रहे मानव अधिकारों के हनन का चिट्ठा न खोल जाए। आखिर क्यों तुम UPA जैसे गैर लोकतांत्रिक कानूनों के दुष्प्रभावों पर इनके आंकड़े इकट्ठा करने में जुटे थे? लगा दिया ना तुम पर भी UPA। राजनीतिक बंदियों के लिए मांग रखते रखते लो आज बन गए तुम भी एक राजनीतिक बंदी। अब की बार अपने डरों को इन्होंने अर्बन नक्सल का नाम दिया है। राजनीतिक और जनवादी मुद्दों को लेकर कितना संकीर्ण दृष्टिकोण है यह। गोरख पांडे ने कितना सटीक लिखा था, जब तक ये इन्हीं के द्वारा रचे खेल से थक हार कर निकलेंगे तब तक कितनी और नजरें इन्हें घूरती होंगी, शायद इसका अंदाजा नहीं है अभी इन्हें। खैर, तुम अपना ख्याल रखना। तुमसे और तुम्हारे काम से इस देश के जनवादी अधिकार आंदोलन के इतिहास और आज के बारे में जो भी समझा है वह हमेशा साथ रहेगा। तुम्हारी रिहाई के इंतजार में, सादर तुम्हारी लड़ाकू दोस्त मेघा।